तो अगर आप भी पिछले 5-6 महीने से AS लेवल पे हो या फिर आपको 1 साल हो चुका है और आपका लेवल सुपरवाइजर पे बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वेल, इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद वो लेवल है ना 13 दिन के अंदर कर लिया था, एंड मुझे पता है कि वो लेवल करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज का यूज करना है, कितना टाइम फ्रेम लगाना है, शेड्यूल क्या होना चाहिए, किस तरीके से लीड्स का अरेंजमेंट करना है, लोगों से बातें क्या करनी है, टीम को कैसे सपोर्ट करना है। आई एम गोना बी टेलिंग यू ऑल इन दिस वीडियो। तब तक अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए भी लाइक करना एंड कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना सुपरवाइजर लेवल जल्द से जल्द कैसे कंप्लीट कर सकते हो, जैसे मैंने 13 दिन में किया। मैं ये नहीं कहूंगा आप भी कर सकते हो, बट आई कैन अश्योर यू कि आप 20 से 25 दिन के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे कर सकते हो अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हो। तो जब से मैंने काम करना शुरू किया, ठीक है, इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने हमेशा एक चीज नोटिस करी कि जो हेल्दी सुपरवाइजर्स होते हैं, जो हेल्दी मैनेजर्स होते हैं, वो तभी बन पाते हैं जब उन्होंने अपनी स्टार्टिंग से शुरुआत अच्छी करी। फॉर एग्जाम्पल, एक जो बेबी होता है, जो बॉर्न होता है, जैसी उसकी संगत बचपन में रखी जाती है, जो हैबिट्स रखी जाती है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, जो बातें वो मम्मी पापा से सुनता है, बड़े होके वो वही बन जाता है। सिमिलरली, जब आप एक AS लेवल पे होते हो और आप बेसिक्स को क्लियर नहीं करते, आप सही चीजों को नहीं सीखते, आप गलत चीजों को सीख जाते हो और आप गैप ले लेते हो, इससे होता क्या है कि आपके 5 महीने, 6 महीने, 1 साल सेम लेवल पे रह के गुजर जाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग क्या ये चीज मेरे लिए है। वेल, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, इसको बड़े ध्यान से सुनना और हो सके तो शेयर भी करना अपनी टीम के अंदर जिनको सुपरवाइजर बनना है। तो सबसे पहली चीज आपको करना क्या है सुपरवाइजर बनने के लिए, आज से, अभी से, अगर आप इसको सुबह देख रहे हो, अभी से आपको अपने फ्रंट में 3 AS कराने की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको लीड्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब लीड्स का अरेंजमेंट, कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑर्गेनिकली आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करो लोगों को, वो आपके साथ बिजनेस करेंगे, या फिर ऑर्गेनिक तरीके से भी लीड जनरेट होती है। मैं कहता हूँ फॉर अ सेकेंड लीव दैट, नहीं करते हम ऑर्गेनिक, हम थोड़ा पेड में चलते। आपको पता है मार्केट में लीड्स भी मिलती है जो आप खरीद सकते हो, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स होते हैं जो इंडिया के अंदर बहुत अच्छी एड्स चला रहे हैं, हाई क्वालिटी की लीड्स देते हैं, आप उनसे भी लीड्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है, अच्छी लीड्स। और अपने अपलाइन से भी बात कर सकते हो कि सर अगर कोई लीड देने वाला पर्सन है तो मुझे लीड चाहिए, और हो सकता है आपको पता भी हो कि आपको लीड्स कहाँ से मिलती है। आपको लीड उठानी है 50, कितनी उठानी है 50, एंड 50 लीड्स पे आपको within 2 days कॉल कर देनी है। कितने दिन? within 2 days कॉल कर देनी है, genuine relation build करते हुए, अच्छे से समझाते हुए कि हमारा बिजनेस क्या है, या फिर जो बेसिकली जो आपको इन्विटेशन सिखाई गई है उसके बेस पे। अब आपने जैसे ही 50 लोगों से बात करी, 35 लोग 40 लोग कॉल उठाते हैं, उसमें से कुछ लोग आते हैं, हम एक रेशियो लेके चलते हैं कि 30 लोगों से अगर आपने बात करी तो 10% 3 लोगों ने आपका AS कर लिया। और AS कराने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप बताओ आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, आप किस टीम के साथ काम कर रहे हो, आपके अपलाइन क्या करते हैं, जो आपके मेंटोर हैं, अपलाइन के कितने फॉलोअर्स हैं, क्या लेवल है उनका, आप उनकी टीम में काम कर रहे हो। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, टीम है, जिसका नाम आप ले सकते हो, लो ना, आप अपने अपलाइंस का नाम लो, अगर उनके 5,000 फॉलोअर भी है, 10,000 फॉलोअर भी है, बताओ मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, इनके साथ काम कर रही हूँ। इस तरीके से आपके पहले 2 से 3 AS रिलेशन बिल्ड करके अच्छे तरीके से हो जाने चाहिए। जैसे आपके 3 AS हो जाते हैं, आपका काम सिंपल हो जाता है। अब मैंने क्या किया था उस टाइम पे, लगभग 2.5 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था, मैंने 13 दिन के अंदर अपना लेवल अप कर लिया था, और उस टाइम पे लिटरली बता रहा हूं, आई वॉज वर्किंग 18 hours a day, मैं 18 घंटे सिर्फ काम ही काम कर रहा था, मतलब 12 घंटे तो हम कॉल पे रहते, फॉलो अप कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इनविटेशन कर रहे हैं। तो ये सैक्रिफाइस तो आपको करना पड़ेगा, ये बोलने वाली बात नहीं है, ये तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। कॉल तो करनी पड़ेगी, 12 15 16 घंटे लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मजे भी कर रहे हो और आपको फिर काम करके लेवल अप भी जल्दी करना है, इट्स वेरी वेरी हार्ड। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो काम करते हैं। उस टाइम पे आपको 3 लोगों को, जैसे आपने अपनी टीम बना ली, 3 AS आ गए, आपने 6 CC का बिजनेस कर लिया, बची कितनी, आपको सिर्फ 19 CC और करनी है। यहाँ पर सबसे समझदारी वाला जो डिसीजन होता है ना, जो लोग नहीं लेते, वो होता है कि आपको अपने 2 टीममेट्स को उठा के उनको ये रियलाइज करवाना पड़ेगा, उनके माइंड में सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, चाहे वो प्रोफाइल हो, प्रोडक्ट हो, प्लान हो, सारी चीजों को क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ ये करना है, उनका वाई क्लियर करवाना पड़ेगा, उनको क्या कार, बंगला, गाड़ी, जो भी चाहिए वो सब क्लियर करा के फोन पे बात करो, उनसे रिलेशन बिल्ड कर लो, भाई वाला रिलेशन बना। और जैसे ये काम हो जाता है, अब आपको उनमें से 2 लोगों को सेपरेटली अलग अलग उनको बताना है कि भाई सुन, 13 लेवल करवाने वाला हूं, इसी महीने करवाने वाला हूं,
इसलिए तेरे को अब करनी पड़ेगी कॉल्स। इसलिए अब मैं तेरे को जो वीडियोस दे रहा हूँ, जो ऑडियोस दे रहा हूँ इनविटेशन की, उसको अच्छे से सीख ले, वेबिनार में बैठाना है। अब उस टाइम क्या होता था, हमारे पास वेबिनार तो होते नहीं थे, हमारे पास एक वीडियो रहती थी आधे घंटे की जिसके अंदर पूरा प्लान समझाया होता था। तो हम कहते थे भैया ऐसा ऐसा सीन है, आओ उस वेबिनार को देखो। उसको देखने के बाद फिर हम सामने वाले को बोलते थे अब एक और वीडियो भेज रहा हूँ जिसके अंदर बताया जाएगा पैसा कैसे आता है, फिर मार्केटिंग प्लान भेजते थे, फाइनली क्लोजिंग होती। तो पता है क्या हुआ, जो मेरे दो एएस थे, जो मेरे आज मैनेजर्स हैं, उनको मैंने ये बात बोली कि भाई सुनो, लेट्स डू वन थिंग, तुम करो इनविटेशन, तुम दिखाओ वीडियो, तुम मार्केटिंग प्लान तक लेके आओ, जब क्लोजिंग की बात आए तो मेरी एडिफिकेशन करना बहुत अच्छी से। एडिफिकेशन क्या होता है कि अपने अपलाइन के बारे में बताना, जैसे मेरे अपलाइन है कि भाई तुम्हें पता है मैं जिस पर्सन के साथ काम कर रहा हूँ ना, वो अभी इस टीम के अंदर ठीक है टॉप पे चल रहे हैं। जैसे मेरी टीम का नाम अचीवर्स क्लब है, तो टॉप पे चल रहे हैं ठीक है, और इन्होंने जो पिछले दो साल के अंदर अचीवमेंट करी है ना, एक साल के अंदर अचीवमेंट करी है, ही इज द मैनेजर, मैनेजर लेवल पे जो इनकम आती है इट्स 1 लाख रुपीज, और इन्होंने ये सिर्फ 8 महीने के अंदर कर डाला ठीक है। तो आपको ये चीज बतानी पड़ी, जब आप एडिफिकेशन करते हो ना तो आपके जो अपलाइन है उनको क्लोजिंग करने में आसानी होती है। अब ये मैं डाउनलाइन के बेसिस पे कह रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा कि आपकी एडिफिकेशन ऐसे करे। मेरे दोनों टीममेट्स ने मेरी एडिफिकेशन इतने बढ़िया तरीके से करी, इतने बढ़िया तरीके से करी कि 7वें दिन तक 8वें दिन तक मैं दिन की लगभग 15 क्लोजिंग कर रहा था, दिन की 15 क्लोजिंग कर रहा था, 6 उसकी 7 उसकी। और हुआ क्या, जैसे मैंने अर्जेंसी बनाई 10वें दिन तक हमारी 15 CC हो गई, 11वें दिन तक हमारी 18 CC हो गई थी, 13वें दिन तक हमारी फाइनल टोटल 26.4 CC का बिजनेस हमने कर दिया था। लेकिन इसमें दोनों में सुपरवाइजर कोई नहीं बना था अभी, क्योंकि आधी आधी सीसी हुई थी, किसी की 11 हुई थी, किसी की क्या बोलते हैं 5 हुई थी शायद एक बंदे की, बाकी मैंने सीसी करी थी 6। तो 13 दिन के अंदर सुपरवाइजर नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट मंथ के अंदर ही मैंने 75 CC का बिजनेस किया था अपने करियर। मतलब मैंने 28 तारीख को ज्वाइन किया पिछले मंथ, 1 तारीख से काम शुरू किया, 13 तारीख तक सुपरवाइजर किया, और 30 तारीख तक मैंने 75 CC का बिजनेस करके दे दिया। एंड सेकंड मंथ में ही मेरा 28 तारीख तक मैनेजर हो गया। इसलिए मतलब मुझे पता चला बाद में कि मैं इंडिया का फास्टेस्ट मैनेजर बन गया हूं। तो 2 महीने के अंदर मैनेजर लेवल भी हो गया। लेकिन शुरुआत कहां से हुई, अब देखो, इसके मीनवाइल मैं क्लोजिंग कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ मैंने साइड बाय साइड 13 AS अलग से कराए। कई लोग सोचते हैं अमन सर आपने 3 AS फ्रंट में कराया, उसमें से आपने अपना सुपरवाइजर 13 दिन के अंदर कर लिया। मैंने कहा नहीं, मैंने 3 AS कराने के बाद टाइम फ्रेम बनाए कि मैं सुबह 2 घंटे अपने लिए कॉलिंग करूंगा, उसके बाद अपने जो दो जिनको सुपरवाइजर बनाना है उनके लिए मैं क्लोजिंग करूंगा। क्योंकि देखो होता क्या है, आज एज अ मैनेजर या सीनियर मैनेजर हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम हो सकता है, बट जब आप AS लेवल पे स्टार्ट कर रहे होते हो आपके पास बहुत टाइम होता है, लिटरली आपके पास बहुत टाइम होता है। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप आते हो, आपका टाइम आप वेस्ट करते हो, सोचते हो एक हफ्ता आराम से लर्निंग करेंगे। नो, दैट इज नॉट लाइक द केस। आपको पहले दिन ही धमाके से लर्निंग करनी है भाई, पहले दिन ही काम शुरू कर देना है, बिजनेस ज्वाइन करो, पहले दिन ही बोलो भैया इन्विटेशन कैसे करते हैं दिखाओ जल्दी। हाँ ठीक है, इन्विटेशन करना शुरू किया, सम पीपल जस्ट स्ट्रेच इट कि 6 दिन लगा देते हैं, 1 हफ्ता लगा देते हैं। भाई जरूरी नहीं है आपको अपने अपलाइन की स्पीड पे चलना है, आप अपलाइन से तेज भी चल सकते हो यार, ऐसा किसने बोला। फटाफट से मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल किया, और जब मैंने 3 AS करा लिए उसमें से 2 सुपरवाइजर की प्लानिंग करी, मीनवाइल में मैंने अलग से 13 AS कराए। तो दिसंबर 2020 की अगर मैं बात करूं ठीक है, उस मंथ में जो मेरा पहला मंथ था बिजनेस का, उस मंथ में मैंने फ्रंट में 16 AS का बिजनेस कराया। कितना कराया, 16 AS का बिजनेस कराया, मतलब 32 CC's, एक पर्सनल डाली थी, 33 CC का बिजनेस मैंने फ्रंट में किया। आज वो 16 जो AS है उसमें से 4 लोग मैनेजर हैं, 8 लोग सुपरवाइजर हैं, बाकी 3-4 शायद काम से चले गए या फिर उनका पता नहीं, उनसे कॉन्टैक्ट छूट गया, उन्होंने कुछ और कर लिया, बट स्टिल 8 लोग उसमें से सुपरवाइजर बने, 4 लोग मैनेजर बने। और इनफैक्ट अभी लिटरली मैं बताऊँ, उनमें से 3-4 मैनेजर्स में से 2 तो सीनियर मैनेजर ठीक है। और ये सारी चीज़ें 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो गई थी, 1.5 साल के अंदर मेरे फ्रंट में 4 मैनेजर्स आ गए थे। इवन आई वांटेड कि मैं और भी लेवल्स अचीव कर लूँ, मैंने कहा चलो ठीक है धीरे धीरे करेंगे सारी चीज़ें। तो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग का जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक रॉकेट होता है ना, रॉकेट जब उड़ रहा होता है वो भाई वो बहुत ऑयल मांगता है भाई, वो बहुत तेल मांगता है, वो बहुत फ्रिक्शन मांगता है, वो बहुत ज़्यादा थ्रस्ट मांगता है। अगर तुमने रॉकेट इतना सा उड़ाया उसके बाद फिर नीचे कर दिया, फिर वो नीचे जाके फट जाएगा। लेकिन एक बार अगर तुमने ना अर्थ की वो जो होती है ना, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट को क्रॉस कर दिया, वो रॉकेट फ्लो करने लग जाएगा। लोग क्या करते हैं ना, गलती ये करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई 1 दिन में करना है लेवल, 2 दिन में करना है लेवल, 3 दिन में करना है लेवल। भाई हो जाएगा, इट्स एन एयरप्लेन यार, अगर तुम काम कर रहे हो 16-17 घंटे, आई एम टेलिंग यू तुम्हारा काम होगा। और लोग पूछते हैं सर 16-17 घंटे पॉसिबल भी है काम करना, वेल अगर आपने मेरा पॉडकास्ट नहीं देखा तो मैं बहुत जल्दी इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ, आई टेल यू इन दैट पॉडकास्ट कि किस तरीके से मैं 18-18 घंटे काम करता था, 4 घंटे ट्रैवल करता था, 3 घंटे सोता था फॉर 3-4 मंथ्स, सिर्फ 3-4 मंथ्स के लिए, उससे ज्यादा नहीं। बट मैंने इसलिए किया वो क्योंकि मुझे अपना काम बिल्ड कर रहा था। एक बार अगर आपने यहाँ पर अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, आपका काम खत्म,
आपको बस मैनेज करना है, लेकिन जो पहली सीढ़ी है सुपरवाइजर, उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे। यू आर थिंकिंग इट्स अ स्कूल कि जहां पर एक साल के लिए पूरा पढ़ाई करनी पड़ती है तब एक क्लास पार होती है, ऐसा नहीं होता। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने ये सब कर लिया, फ्रंट में 3 एस कराए, 2 को पकड़ा और उसको बोला भाई तेरा सुपरवाइजर कराना है, डैम श्योर अगर आपके लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं आपकी डाउनलाइंस, और आप काम में काफी टाइम से हो और आप क्लोजिंग करने के लिए तैयार हो, अगर आप टीम को प्रॉपर लीड्स दे रहे हो और आप खुद भी लीड्स ले रहे हो, आई एम टेलिंग यू आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और आज के डेट में तो सिस्टम इतने ज्यादा आसान हो चुके हैं, लाइव वेबिनार्स हो रहे हैं, थिंग्स आर सुपर सुपर डुपर इजी। उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू एवरी बिजनेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स ओनर। हर जो धंधा होता है ना वो अपने मालिक का रिफ्लेक्शन होता है। आज मैं जैसा हूं मेरा काम वैसे चल रहा है, इट्स गोइंग ग्रेट। आज आप जैसे हो, सुस्त हो, लेजी हो, ना प्रोफाइल पता है, ना प्रोडक्ट पता है, ना प्लान पता है, फ्लो बनाना आता नहीं है तुम्हें, थोड़ा सा काम करते हो सुस्त हो जाते हो, राइट? हमेशा अपलाइन को ब्लेम करते हो कि अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया तो इस वजह से हम काम नहीं कर पाए। अगर मान लो अपलाइन अवेलेबल नहीं है, क्लोज योर सेल्फ। वैसे मैक्सिमम लोगों के अपलाइंस होते हैं, अगर अपलाइन अवेलेबल नहीं भी है तो क्लोजिंग करना सीखो, इट्स अमेजिंग। और आप लोगों के लिए ही मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहां पर मेरी एक दो क्लोजिंग मिल जाएगी आपको, आधे आधे घंटे की, 15-15 मिनट की। यू विल अंडरस्टैंड हाउ आई डू द क्लोजिंग। तो आपको स्टार्टिंग में करना क्या था, आपने समझ लिया कि आपके पास लीड्स का एक बहुत अच्छा फ्लो होना चाहिए, आपके पास एक वर्क स्पेस भी अच्छी होनी चाहिए जहां पर आप काम कर पाओ। आपने गोल बना रखा हो कि 25 दिन के अंदर पूरा मैटर निपटाना है, अगर 25 दिन के अंदर आपको सुपरवाइजर करना है तो पहले 5 दिन के अंदर आपको आग लगा के इनविटेशन करनी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे रिलेशन बिल्ड करने पड़ेंगे, बैठे रहना पड़ेगा नोटबुक लेके। एंड आई एम टेलिंग यू, जब वो लोग तैयार होंगे, जब वो 3 AS आएंगे, जब 6 CC हो चुकी होगी, वो 3 AS को जब आप विजन दोगे, उनका वाई क्लियर कराओगे, उनको बताओगे कि हम एक टीम बन के काम करने वाले, तुम्हारा लेवल अप होने वाला है इसी महीने के अंदर, दे विल अंडरस्टैंड। क्योंकि पता है जब तक तुम उनको विश्वास नहीं दिलाते ना कि काम अभी इसी महीने होने वाला है, तब तक नहीं होने वाला। जब मैं बिजनेस में आया था, मुझे पता है लोग, मेरे जो अप्लायंस थे वो साथ बैठे हुए थे, एक दिन तो कैबिन में था मैं, तो मेरे पास आए, बोलते हैं भाई साहब 2 दिन हुए थे मुझे बिजनेस में आए, तो लेवल कब तक करना है? मैंने कहा जी कर लूंगा 1 महीने में। तो सारे जोर जोर से हंसने लग गए। मैंने कहा लग रहा है बहुत जल्दी बोल दिया मैंने। मैंने कहा चलो 1.5-2 महीने में कर दूंगा। वो और तेज हंसने लग गए। मैंने कहा यार क्या 4 महीने में करूँ? अरे पागल 7 दिन में करना है, 7 दिन में करना है। मैंने कहा क्या बकवास है, 7 दिन में कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे खुद के जो अपलाइन है ना, मेरे खुद के अप्लाई, उन्होंने 7 दिन में सुपरवाइजर किया है। उनके नाम पे रिकॉर्ड है द फास्टेस्ट सुपरवाइजर ऑफ इंडिया, फास्टेस्ट AM और फास्टेस्ट मैनेजर मेरे नाम। तो जब हम यहाँ ऐसे ऐसे बन के काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी नॉलेज को लेके काम कर रहे हैं, स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें पता है हमारा बिजनेस कितना फाड़ है, हमें पता है कि हमें करना ही कर, हमें पता है नंबर गेम काम करती है, हमें पता है अगर आप क्लोजिंग करते हो वेरिफिकेशन करवा के देयर विल बी रिजल्ट्स। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी टीम के बारे में, जो आपका टीम है कोई भी टीम से हुआ, उसके बारे में हाइप बनाते हो, अपने अपलाइन की हाइप बनाते हो। आपको बताना पड़ेगा कि सक्सेस स्टोरीज क्या है। एंड वो एक और चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सुपरवाइजर अगर आप बनना चाहते हो यार, प्लीज अपने आप को ना किसी से कंपेयर मत करो। आई एम टेलिंग यू, सोशल मीडिया पे ना आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो, रील्स देखने में, अपने लोगों के स्टेटस देखने में, व्हाट्सएप पे सारे स्टेटस म्यूट करो एंड रील्स देखना बंद करो। एंड अपने लोगों से कंपेयर मत करो यार कि उसने ये उखाड़ लिया, उसने वो उखाड़ लिया, उसका सुपरवाइजर 10 दिन में हो गया, उसका 15 दिन में हो गया। आई एम टेलिंग यू अ स्ट्रैटेजी, अगर इसको फॉलो करते हो तो आपका भी सुपरवाइजर हो सकता है। वैसे ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, अभी नहीं बनाना चाहता था, बहुत लेट बनाना चाहता था, बट मैंने सोचा यार कि जल्दी बनाता हूं ताकि लोग है ना अपना फटाफट से लेवल अप करें। आई एम टेलिंग यू दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अचीव योर सुपरवाइजर लेवल। एंड सुपरवाइजर कोई बड़ी बात नहीं है, 12 AS कराने होते हैं फ्रंट में, बट अगर आप अकेले करने जाओगे उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। अब मैंने 16 AS फ्रंट में करा के कर लिया था सुपरवाइजर भी, लेकिन 16 AS फ्रंट में कराना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनको बहुत मेहनत करनी होती है। एंड मेरे हिसाब से जब 20-21 साल का बच्चा होता है वो इतना दूसरे कामों में डिस्ट्रैक्टेड होता है, ठीक है, कि वो अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाता। आई वॉज नॉट द डिस्ट्रैक्टेड वन, आई वॉज द फोकस्ड वन, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से काम किया एंड वो चीज मेरे लिए पॉसिबल हुई। बट मैं आपको कहता हूँ 20-25 दिन के अंदर अगर आप अपना लेवल करना चाहो कर सकते हो, दिस इज हाउ इट शुड गो लाइक। एंड इसी वजह से इस वीडियो को मैंने बहुत जल्दी मंथ के स्टार्टिंग में डलवा दिया था कि अगर आप इस मंथ को स्टार्टिंग में इस वीडियो को देख रहे हो, गुड न्यूज़ फॉर यू कि आपने इसको अभी देख लिया, अदरवाइज आप कभी भी देख रहे हो आप इसको प्लान कर सकते हो आज से लेके अगले 25 दिन के लिए, ठीक है। मस्त रहो, काम सीख के करो, दिन की 4-5 घंटे की लर्निंग आपकी होते रहनी चाहिए। कर जाओगे ना भाई, जो घर चाहिए तुम्हें, जिस कॉलोनी में चाहिए, जिस तरीके का महल चाहिए, जो गाड़ी चाहिए, अकाउंट में करोड़ों रुपए चाहिए, आई एम टेलिंग यू ये इंडस्ट्री दे सकती है। और ये बात मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत जल्दी किसी इंडस्ट्री का फैन नहीं होता या किसी के बारे में तारीफ नहीं करता, बट इफ आई एम सेइंग देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और अपनी टीम्स के अंदर जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं थी, इट वॉज अ वेल रिटन वीडियो, बहुत सोच समझ के बनाई गई वीडियो थी। एंड आने वाले टाइम के अंदर मैं और भी वीडियोज बनाने वाला हूँ कि किस तरीके से अपने और लेवल अचीव करने हैं। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल द टाइम कीप लर्निंग, टेक केयर।